हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का इलेक्ट्रिकल लाइव चैनल में और मैं अमित कुमार केसरी। तो आज हम लोग देखेंगे ब्लेडर रेसिस्टर के बारे में। जो ये कैपेसिटर सेल है इसमें ब्लेडर रेसिस्टर लगा होता है, तो ये हर पावर कैपेसिटर में यूज होता है। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखेंगे लाइव विजुअल और कैपेसिटर के साथ में। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल लाइव चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब पर हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक इलेक्ट्रिकल से जुड़ी लाइव जानकारी पहुंचती रहे। और फेसबुक पर प्लीज हमारे पेज को लाइक या फॉलो कर दीजिए। पावर कैपेसिटर या पूरे कैपेसिटर बैंक को टच करने से इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, लेकिन आफ्टर डिस्चार्जिंग नहीं लगता। इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसके लिए इसमें क्या लगा होता है, जब भी एपीएफसी या कैपेसिटर बैंक का मेंटेनेंस करना होता है तो उस समय सप्लाई तो आप पूरा बाहर कर देंगे, लेकिन इसमें ये कैपेसिटर है, इसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर रह जाती है। तो उसको हम लोग कैसे पूरा एनर्जी को डिस्चार्ज करते हैं और इसमें क्या लगा होता है इसके बारे में आइए चलिए देखते हैं। कैपेसिटर बैंक से शॉक बिल्कुल लगता है। अगर हम पूरी सप्लाई भी मतलब कि बाहित कर देंगे, आइसोलेटर वहां से खोल देंगे, फिर भी इसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर रहती है। तो दोस्तों, ब्लेडर रेसिस्टर जो है वो हर प्रकार के कैपेसिटर में यूज होता है, चाहे वो एसी सर्किट हो या डीसी सर्किट हो या पावर कैपेसिटर हो, हर प्रकार के कैपेसिटर में ब्लेडर रेसिस्टर यूज होता है। और कहीं कहीं ब्लेडर रेसिस्टर दिखता है और कहीं कहीं नहीं भी दिखता है। अभी आप जो देख रहे हैं यह है पावर कैपेसिटर। तो अगर रेसिस्टर, ब्लेडर रेसिस्टर जो है वो अगर ऊपर से नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये कैपेसिटर सेल के अंदर ही इनबिल्ड है। अगर आपको ऊपर से दिखेगा तो इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पर ये जो है ना टर्मिनल, यहाँ पर ब्लेडर रेसिस्टर जो है वो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये कैपेसिटर सेल जो है ना इसके अंदर ही ब्लेडर रेसिस्टर जो है अपना वो इनबिल्ड है। एक्चुअली हम लोग इसको सेफ्टी पर्पस और कैपेसिटर की जो लाइफ है वो इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और नाम है, इसका अभी हम एक नाम बताएंगे आपको, तो वो नेम इटसेल्फ आप लोग समझ सकते हैं कि इसका काम क्या है। ब्लेडर रेसिस्टर का काम क्या है वो एक और इसका नाम है, वो हम अभी नाम अभी आपको बता रहे हैं। तो इसका एक और नाम है वो है डिस्चार्जिंग रेसिस्टर। इसका एक और नाम है डिस्चार्जिंग रेसिस्टर। तो ब्लेडर रेसिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग रेसिस्टर। तो अब आप सभी समझ सकते हैं कि इसका काम क्या है। तो दोस्तों, सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए कि यह कैपेसिटर सेल है, ठीक है, अगर यह एक बार चार्ज हो जाता है तो फिर यह डिस्चार्ज मतलब कुछ एनर्जी इसमें स्टोर रह जाती है। अगर हम इस टर्मिनल को छुएंगे तो फिर हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसलिए इसमें ब्लेडर रेसिस्टर इसमें यूज होता है ताकि वह जो भी अगर इसमें मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ जो भी पावर है इसमें स्टोर जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। इसलिए हम लोग सेफ्टी पर्पस के लिए इसमें ब्लेडर रेसिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसको हम लोग डिस्चार्जिंग रेसिस्टर बोल सकते हैं। तो डिस्चार्जिंग रेसिस्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है वो हम ब्लेडर रेसिस्टर डिस्चार्जिंग रेसिस्टर इसलिए इसमें यूज करते हैं ताकि अपना कैपेसिटर की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो, जो एनर्जी इसमें स्टोर रह जाती है। अगर हम दोबारा अगर फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको देंगे और फिर इसको चार्ज करेंगे तो फिर इसमें इन रश करंट है इसमें पैदा होगा, इन रश करंट, और उससे कैपेसिटर की जो लाइफ है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसमें डिस्चार्जिंग रेसिस्टर यानी कि ब्लेडर रेसिस्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी कैपेसिटर की जो लाइफ है वो हमारी मतलब कि बहुत दिन तक चल सके। दोस्तों, ब्लेडर रेसिस्टर लगने के बाद भी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होने की एक समय सीमा होती है। तो आइए इसमें देखते हैं हम कि अभी नेम प्लेट इसका कैपेसिटर बैंक का, इसकी डिस्चार्जिंग टाइम क्या है। तो ये है अपना कैपेसिटर बैंक और इसका देखिए ये नेम प्लेट। तो इसमें देखिए ये साफ साफ लिखा है कि डिस्चार्जिंग कैपेसिटर बिफोर हैंडलिंग, ठीक है लिखा है। और इसमें देखिए लिखा है ये मिनिमम डिस्चार्ज टाइम 10 मिनट। ये लिखा है ब्लेडर रेसिस्टर जो लगा है अपना उसी के मतलब लिए कि ये 10 मिनट में डिस्चार्ज हो सकता है। ये देखिए हमारे ये 1.98 1980 kVAR की ये कैपेसिटी है इसकी और 50 Hz इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो एज यूजुअल है। ये पूरा इसका नेम प्लेट देख लीजिए। तो बस यही जान लीजिए कि ब्लेडर रेसिस्टर लगे रहने के बाद भी इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो है 10 मिनट। अगर ब्लेडर रेसिस्टर इसमें यूज नहीं होगा तो फिर वो जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्चार्ज ही नहीं होगा और फिर अपना कैपेसिटर की जो लाइफ है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जो सेफ्टी पर्पस से अगर हम इसको अगर छुएंगे
तो अपना जो है इसको जब छुएंगे इस टर्मिनल को तो फिर इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। ब्लेडर रेसिस्टर या डिस्चार्जिंग रेसिस्टर अभी तो आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, लेकिन ये जो इमेज है इसमें आप सभी देख सकते हैं कि ये कैसे यहाँ पर ब्लेडर रेसिस्टर जो है वो कैपेसिटर के ऊपर लगा हुआ है। तो देखिए ये ब्लेडर रेसिस्टर कैपेसिटर के ऊपर कैसे लगा हुआ है, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये इनबिल्ड होगा इसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। लेकिन हर कैपेसिटर में चाहे वो एसी सर्किट हो या डीसी सर्किट हो, हर पावर कैपेसिटर में अपना जो डिस्चार्जिंग रेसिस्टर है वो यूज होता ही है फॉर सेफ्टी पर्पस, अपने सुरक्षा के लिए जो ब्लेडर रेसिस्टर है डिस्चार्जिंग रेसिस्टर है वो यूज होता ही है। तो फ्रेंड्स आशा है कि दी हुई जानकारी आपको समझ में आया होगा कि ब्लेडर रेसिस्टर क्या है, और इसको एक हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग रेसिस्टर, तो ये क्यों लगा होता है इसमें, और पूरा अपना लाइव विजुअल अभी आप देखें कैपेसिटर बैंक का। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने का और लाइव विजुअल आप सभी को मतलब दिखाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी लाइव विजुअल आपको मिलेगा और सारा फुल डिटेल्स के साथ में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और जय हिंद जय भारत।